करवाने के लिए मैं सबसे पहले धन्यवाद दूंगी पल्लवी और अमृता को और एक्शन मीडिया अविनाश जी चूंकि वे बहुत इन विषयों पर काम करते हैं और टाइज पे जो बैठे हैं सभी लोग मेरे परिचित हैं सभागार में भी लखनऊ मेरे बहुत सारे परिचित लोग हैं तो समय जाया नहीं कर रही हूँ मैं विषय पे आ रही हूँ क्योंकि चूँकि मैं मीडिया में हूँ तो मीडिया की भूमिका जो है वो बहुत गंभीर और बहुत ही बड़ी होती है और मीडिया के द्वारा जो भी दिखाया जाता है वो करीब करीब आज हर घर में माना जाता है और मुझे लगता है कि क्योंकि मैं दूरदर्शन में हूँ तो दूरदर्शन की अपनी एक अहम भूमिका है और शहरी क्षेत्र से ज़्यादा ये ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जाता है और ये विषय जो है मुझे लगता है बुद्धिजीवी लोग लगभग सब लोग जानते हैं लेकिन इस विषय पे चर्चा करने के लिए जब हम लोग आमंत्रित हुए तो मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे लोग होंगे जो घर पे इस विषय पे चर्चा सुनने के लिए और भाग लेने के लिए आ रहे हैं नहीं कहे होंगे क्योंकि आज भी 21वीं शताब्दी की बात हो रही है प्रेरणा ने बहुत ही गंभीर विषय पे बहुत ही अच्छे तरीके से एक लड़की जो महामारी से के पीरियड में जब आती है उस एज में आती है उस समय क्या क्या उसके अनुभव होते हैं उसे बहुत बढ़िया से रखा है और मुझे लगता है कि इस विषय को लड़कियों से ज़्यादा लड़कों को समझने की ज़रूरत है जिस दिन हमारे घर के पिता बेटी के लिए सैनिटरी नैपकिन लाएंगे भाई सैनिटरी नैपकिन लाएगा और पुत्र नैपकिन लेके आएगा उस दिन लगता है हमें हम इस जो चर्चा हो रही है महामारी पे उसमें सफल होंगे मैं 2005 की बात बता रही हूँ अपने अनुभव को मैं साझा कर रही हूँ 2005 में बाहर देश के कई अमेरिका में जाने का मुझे मौका मिला था मेरा बेटा उसमें क्लास 6 में था इसलिए मैं इस बात को यहाँ पे रख रही हूँ क्योंकि आवश्यकता है इस बात को रखने की इसलिए मैं रख रही हूँ कि 2005 की बात है उसमें क्लास 6 में मेरा बेटा था 2-3 महीने के बाद में स्कूल से किया आया कि जो पेरेंट्स को वहाँ पे आना है और बच्चों के शारीरिक उस पर बातें की जाएगी क्योंकि मेरा बेटा था तो उसमें कहा गया था कि बेटे के साथ में माँ और पिता दोनों आएंगे वो लाके जब दिया तो मेरे हस्बैंड सबसे पहले बोले कि अभी ये क्या है बेटा के साथ बैठ के इस पर बात की जाएगी मैं नहीं जाऊँगा आप सोच सकते हैं पढ़े लिखे व्यक्ति जो बाहर के देशों में जिनका चयन हुआ है वो व्यक्ति इस गंभीर विषय पे सबसे पहले मना करते हैं कि बेटा के सामने जाके वो क्लास 6 का बच्चा है उसके सामने इस तरीके की बात की जाएगी मैं नहीं जाऊँगा और वो नहीं गए जबकि उनको जाना चाहिए था लेकिन वो नहीं गए और मैं गई उसके साथ में और आपको आश्चर्य लगेगा कि जिस सब्जेक्ट का अभी हम लोग थोड़ी सी बात कर रहे हैं उस विषय पे वहाँ पे प्रोजेक्टर पे टीचर्स बैठ के पूरा डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया जा रहा था कि एक बच्चा एक लड़का और एक लड़की जब 12 साल के होते हैं तो उनके शारीरिक जो परिवर्तन होता है उसके विषय में बताया जा रहा था कि लड़कों में क्या चेंजेस आता है और लड़कियों में क्या चेंजेस आता है और उसको इतना बढ़िया से उन लोगों ने दिखाया था कि जब मैं वहाँ से हॉल पे बैठी थी और डिस्कशन चल रहा था तो मुझे लगा कि ये विषय जो है इस विषय पे हम लोग कभी भी चर्चा नहीं करते और शायद मैं भी अपनी बेटी से कभी चर्चा नहीं करती अगर ये प्लेटफॉर्म मुझे नहीं मिला होता और ये इतना बढ़िया इस विषय पे बातचीत हुई है कि जब मेरा बेटा जो बड़ा हो रहा था उस एज में आ रहा था तो सारे चेंजेस को बैठ के मेरे साथ डिस्कस कर रहा था और मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा था क्या मेरी माँ ने कभी गुस्सी के सारी बातें की मुझे जब पीरियड्स हुआ तो मेरी माँ ने कभी नहीं बताया कि पीरियड्स क्या होता है मैं स्कूल के फ्रेंड से भी मैं पूछ नहीं सकती थी क्योंकि ये पूछना बहुत गंदी बात माना जाता था कि आप इस विषय पर बात नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये विषय अगर आप बात करते हैं तो आपके मानसिक जो विकास हो रहा है उसको बहुत बहुत गंदी निगाह से देखा जाता था और आज इस विषय पर अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है सबसे पहले तो यहाँ पे जो उपस्थित लोग हैं बच्चियाँ हैं उन सारे लोगों को मैं कहूँगी कि अगर एक बच्ची भी जाके एक लड़की जाके अगर इस विषय पे बात करेगी अपने फ्रेंड से तो शायद ये डायलॉग जो है ये सफल होगा
क्योंकि मुझे लगता है एयर कंडीशन रूम में बैठ के तरीके की चर्चा हम सब जानते हैं, क्योंकि आज गूगल का जमाना है, हम बैठ के बात करते रहते हैं। फेसबुक में भी अब महामारी को लेके बातें होती हैं, लेकिन क्या हम अपने घर पे करते हैं? शायद नहीं। जब दिखाया जाता है टीवी में प्रचार के समय में, तो हम चैनल चेंज कर लेते हैं। ये बात आप शायद स्वीकार मेरे सामने नहीं करेंगे, ये बात सत्य है कि जैसे ही किसी तरीके कंडोम का दिखाया जाता है हम चैनल चेंज करते हैं। मुझे ये लगता है कि आप लोगों को ये लगता है कि मेरे पास में बैठा हुआ जो व्यक्ति है वो शायद उसके सामने ये देखना ठीक नहीं है। मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं इन विषयों पर बहुत काम करती हूँ। जिस तरीके से पोलियो मीडिया पे पोलियो पे इतना प्रचार प्रसार किया गया है कि आज पोलियो जो है हमारे भारतवर्ष में, मुझे लगता है कि यूनिसेफ के लोग बैठे हैं, मेरे पास कोई डेटा नहीं है सारे चीज़ों को लेकर, मैं डेटा से मैं बात नहीं कर पाऊंगी, लेकिन शायद जो कहा जाता है ये पोलियो जो है ये पूरे भारतवर्ष से निकल गया है, हो सकता है हाफ पॉइंट कुछ परसेंट या बचा होगा। अगर इस महामारी पे अगर हम लोग बात करें, स्कूल कॉलेजेस के बच्चों को बुलाकर बात करें या स्कूल कॉलेजों के साथ में जाके, क्योंकि एक एक्सपीरियंस है मेरा, मैं शेयर करना चाहूँगी। जेडी वुमेन्स कॉलेज में मैं एक प्रोग्राम देखती हूँ, स्वास्थ्य प्रोग्राम, जिसपे बात इसी तरीके के महामारी पे बात हो रही थी, और हमारे साथ एक जेंट्स डॉक्टर गए थे, एक लेडी डॉक्टर गई हुई थी। हम लोग जब कैमरा के सामने में बात कर रहे थे तो लड़कियों से हम बात कर रहे थे कि आप बताइए महामारी जो होता है वो पीरियड आता है तो आप लोग उसको कैसे ये करते हैं, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आता है, क्योंकि डॉक्टर बैठे हैं तो आप बात कर सकती हैं। उस विषय पे डॉक्टर ज़्यादा बात की, कोई लड़की ने कोई भी प्रश्न नहीं किया। जब प्रोग्राम का हमारा ऑफ हो गया तो उन लोग आके बोलती हैं कि मैडम यहाँ से जेंट्स जो है उनको निकाल दीजिए ना, कैमरा मैन को भी निकाल दीजिए ना, कुछ बात करनी है। जब दोनों लोग चले गए, जेंट्स जो हमारे साथ थे, सिर्फ लेडी डॉक्टर बैठी थी, उस समय उनके प्रश्न को सुनकर ये आश्चर्य हो रहा था कि पढ़ी लिखी लड़कियाँ, जेडी वुमेन्स कॉलेज की पढ़ी लिखी लड़कियाँ जो हैं वो आज भी, और इस तरीके से हम लोग बहुत सारे लोग यहाँ तो बैठी हैं उनको पता ही नहीं है कि महामारी जो है उस पर किस तरीके से, उस पीरियड में क्या नृत्य जो होता है उस तरीके से हम लोग मानते हैं कि पूजा नहीं करना चाहिए। हमारे घर में कहा था पूजा नहीं किया जाता, भाई क्यों पूजा नहीं किया जाएगा? अगर शरीर के अंदर में कोई डिजीज है, शरीर के अंदर में अगर सिस्टम में ईश्वर ने दिया है तो उस सिस्टम को हम हटा के कैसे जिंदगी जिएंगे? ये सारी चीज़ों को मीडिया के द्वारा प्रचार प्रसार की बहुत आवश्यकता है कि हम आचार नहीं सुन सकते, आचार छूएंगे तो खराब हो जाएगा, पूजा करेंगे तो भगवान जी पूछ जाएंगे, उस समय अगर कोई शुभ काम है तो उसको आप छू नहीं सकते हैं, घर पे जो है रसोई का जो दिखाया जा रहा है, तो ये सारी बातें सत्य हैं। इसमें कहीं भी मुझे नहीं लगता मिथ है, और इसमें से जितनी हम लोग बैठी हैं कमोबेश सबके घर में ये होता है। आज भी पीरियड्स में कितनी महिलाएं जो है पूजा कर सकती है, मुझे लगता है कि कोई नहीं, अपने आप फट जाते हैं। कल ही मैं पूजा में गई थी, सब लोग शामिल थे, और वो और कहीं आउट की तरफ दिखाई देती है, सब लोग उसकी तरफ नजर उठा के देखते हैं कि क्या बात है। तो मुझे लगता है इस तरीके के अंधविश्वास को तोड़ने की जरूरत है, और इसके लिए बहुत जरूरी है कि आवाज उठाइए। हम महिलाएं जो है आवाज नहीं उठाते हैं, हमें ईश्वर ने आवाज दी है, हम अपनी आवाज नहीं उठाते हैं। जिस दिन दुकान में जाके हमें ये शर्म महसूस नहीं होगा कि हम वहाँ पे खड़े हैं काउंटर पे और बहुत आराम से कहेंगे कि हमको सेफ्टी चाहिए या हमको इस पर चाहिए, जो भी हमको सैनिटरी नैपकिन चाहिए, मैं किसी ब्रांड का मैं प्रचार प्रसार नहीं कर रही हूँ, सिर्फ हमको नैपकिन चाहिए और उसको आराम से अखबार में समेट के नहीं दिया जाएगा और हम खुले हाथ में लेकर घर आ सके, उस दिन हमको लगता है हम सफल हो पाएंगे। ये महामारी पे जितनी बातें हो रही हैं उस दिन सफल हो पाएंगे कि हमारे घर के पिता, हमारे घर का बेटा या हमारे घर का भाई हमारे साथ जा रहा अगर है और हम उसको कहेंगे चलो मेरे साथ में कि हमको पीरियड हो रहा है, हमारे घर पे बेटी को पीरियड हो रहा है, हम ये खरीदना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि ये गंभीर विषय पे अगर मीडिया पे आके, मीडिया का बहुत बड़ा रोल है कि हम इस विषय पे बात करते हैं, और इस विषय पे बात करने के लिए जब हम डॉक्टर को बुलाते हैं तो समस्या हमारे सामने ये आती है कि कोई भी स्टूडेंट सामने नहीं आ पाता है, कोई लड़की नहीं आती है कि इस विषय पे बात करें।
मास कम्युनिकेशन के बहुत सारे बच्चे यहाँ पे बैठे हैं, बहुत सारी लड़कियां बैठी हुई हैं। मीडिया का काम है वो समाज का एक आईना होता है। मीडिया जी बैठी हुई हैं, वो मिस कॉलेज की हैं और मुझे लगता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को इन्होंने मीडिया हाउस में भेजा है। मैडम आपको पता होगा कि हम लोग इन विषयों पर बात नहीं करते हैं, हमारी लड़कियों को हम ये नहीं बताते हैं कि ये सारे जो शारीरिक परिवर्तन होता है उसको आप कैसे लीजिए और इस विषय पे आप गंभीर विषय पे जाके आप मीडिया हाउस में बात कीजिए। किसी भी डिस्कशन में जब ये होता है तो नहीं आना चाहती है। जब भी बात करेंगे तो हम लोग बात करेंगे नारी सशक्तिकरण की। नारी सशक्ति कैसे होगी जब इस टॉपिक पे हम बात नहीं करेंगे। एक महिला को सशक्त होने के लिए सबसे जरूरी होता है कि वो 12 साल या 8 साल की एज में जब उसके शारीरिक परिवर्तन होते हैं तो वो इस विषय पे बात करे। वो शर्म से ना ये करे कि स्कूल में अगर हुआ है तो जैसे दिखाया जा रहा था कि स्कर्ट में ब्लड लगा है तो उसको शर्म महसूस हो रही है। क्यों शर्म महसूस होगी? एक लड़का के अंदर भी वो परिवर्तन होता है, वो वाइट डिस्चार्ज उसके अंदर भी होता है। लेकिन क्या हम लोग उस पर कभी भी हंसते हैं? कोई भी लड़की इस बात को जानती है कि जिस समय लड़की के साथ में परिवर्तन होता है लड़कों के अंदर भी चेंजेस आता है। लेकिन क्या उस विषय पे कभी भी पब्लिकली या कभी इस तरीके से महावारी या लड़कों के उसमें होता है तो उसमें लिखा जाए कि उस तरीके का उनके शरीर से भी वो निकलता है जिसके कारण से लड़का लड़की का जब वो मिलता है तो बच्चे होते हैं। लेकिन उस पर कभी इस कभी विषय पे बात नहीं होती है क्योंकि वो लड़का है, वो मर्द है। तो मुझे लगता है कि इस विषय को हम लोग बहुत गंभीरता से लें और जिस तरीके से अभी बताए थे अंशु जी गुप्ता जी शायद चले गए हैं। अच्छा है अंशु जी, आप तो IMC के प्रोडक्ट हैं और आप अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि कपड़ा की जो बात कर रहे हैं, कपड़ा जो है अब थोड़े दिन में होगा कि जीविका की यहाँ बैठी हुई हैं सौम्या जी और बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, मोना जी बैठी हुई है की। ये मुझे आंकड़ा नहीं है, आंकड़ों में मैं नहीं जा रही हूँ। कपड़ा से भी बहुत महिलाओं को तकलीफ होती है। कपड़ा तो पहला मिलता नहीं है, जो आप कह रहे थे कि सिंथेटिक मिल जाता है लेकिन उस तरीके के कपड़ा नहीं मिलता है। जरूरी है सरकार के पास में, आप कहेंगे कि नहीं सरकार की जरूरत नहीं है, लेकिन सरकार की जरूरत है। जिस तरीके से शराबबंदी को कानून बना के या इससे प्रदेश से रोका गया है, उसी तरीके से हर महिला को हर लड़की को स्कूल में सुविधाएं दी गई हैं। लेकिन मुझे लगता है कि स्कूल के फंड में जाता है और वो टीचर जो है लड़कियों को नहीं देती है। जहाँ भी मैं बैठी थी तो मुझे पता चला है कि वो टीचर्स जो है वो लड़कियों को सैनिटरी नैपकिन नहीं देती है। ये सच है और इस सच को मुझे लगता है कि मीडिया में लाने की जरूरत है और सरकार को ये करना चाहिए कि हर घर में जो है सैनिटरी नैपकिन को पहुंचाने की व्यवस्था की जानी चाहिए, हर घर में पंचायत के द्वारा दी जानी चाहिए। आप कह रहे थे कि सरकार नहीं चला सकती, सरकार चाहेगी तो सरकार चला सकती है। जब सरकार अभी किसी ने प्रश्न किया था कि खाद्यान्न पहुंचाने की बात हो रही है, आप पे मेट्रो सिटी की बात करें, स्मार्ट सिटी की बात करें, इन लड़कियों का जो सैनिटरी नैपकिन है उसका जो पॉलिथीन है वो जाएगा कहाँ? कपड़े देने की जरूरत है तो आप कपड़े का भी गुंजाइश अगर करते हैं तो उसको भी आप दीजिए कि वो सुखाने की व्यवस्था हो। आप जिस तरीके से कह रहे थे अभी, और ये बात सच है कि एक नलकूप होता है वहाँ जाके क्या लड़कियाँ या महिलाएं जाके अपना पीरियड्स का कपड़ा धो सकती हैं? नहीं धो सकती है। थोड़े दिन में जो है पानी की जो हालत है वो पानी की व्यवस्था नहीं हो पाएगी तो कहाँ से कपड़ा धोएगी और कहाँ से कपड़ा सुखाएगी? हम किस साल किस इक्कीसवीं शताब्दी की बात कर रहे हैं? तो मुझे लगता है कि सिर्फ एक सामाजिक संस्था जो है इसके इस मुहिम को आगे निकाल के नहीं ले जा सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि मीडिया में ये फ्रंट पेज का न्यूज़ होना चाहिए, ये लास्ट पेज में छोटा सा न्यूज़ बना के ये नहीं होना चाहिए कि सैनिटरी नैपकिन जो है, जब सैनिटरी नैपकिन के बारे में जो फर्स्ट पेज में जिस दिन छपने लगेगा ना
तो उस दिन सोचिएगा कि ये महामारी जो है हमारे देश में जो इतना बड़ा मुद्दा बना है वो सफल हुआ है। ये सैनिटरी नैपकिन की बात में छुप छुप के हम ना करके जब हमारे लड़के या हमारे घर पे ये सारी बातें होंगी और जब हम घर से निकलेंगे तो हम कहेंगे कि आज हम जा रहे हैं महामारी पे काम करने के लिए, और हमारे घर के लोग अगर कहेंगे कि ये बहुत अच्छे ये हैं हम भी चलते हैं, मुझे लगता है कि वो दिन सफल होगा। और मीडिया का बहुत बड़ा रोल है, मैं मीडिया में रह के इस विषय पे बहुत गंभीरता से मैं ये कार्यक्रम करती हूँ। मेरा एक कार्यक्रम है एक मुट्ठी दूध, अमिता जी और पल्लवी जी आपसे निवेदन है मैं अब बुलाऊंगी क्योंकि मैं फॉलो करती हूँ, और मैं जब कोई काम करता है तो मैं वैसे लोगों को बुलाती हूँ। मैं बहुत दिनों से आप लोगों को देख रही थी और बाद में मैंने जाके कहा बहुत अच्छा काम कर रही है, क्योंकि उन्होंने कहा अंशु गुप्ता जी ने कि बहुत सारे लोग आजकल इस चीज को बहुत बड़े बड़े ब्रांड नेम से अपना निकाल रहे हैं और इसको एक बहुत बड़ा एक मुद्दा बना रहे हैं कि महिलाओं के महामारी को आप ये तमाशा मत बनाइए, ये तमाशा बनाने की चीज नहीं है। इसको आप जिस दिन सोचिएगा कि समाज में अगर स्त्री अगर नहीं रहेगी, स्त्री का महामारी नहीं रहेगा तो जनरेशन खत्म हो जाएगा। इस विषय को बहुत गंभीरता से लेने की बात है क्योंकि मनीषा जी चली गई हैं, आप जाके देखिए किसी भी कैंसर उसमें सबसे ज्यादा पीड़ित होती है महिलाएं यूट्रस से, यूट्रस के कारण से बहुत सारा इसका मेन इशू है कि आप महामारी में सतर्कता नहीं करते हैं और उसके कारण से ये सारी परेशानी होती है। आनंद जी आए हैं अभी हमारे बीच में और ये है, मुझे लगता है कि गंभीरता से इस विषय पे बात की जाए और इस विषय को मुझे लगता है कि बात है हम लोग का पहले बात होने के बाद इंटरेक्शन होना तो शायद ही सफल होता, क्योंकि उसमें क्या होता है बहुत सारा बात बहुत सारे लोग चले गए हैं और जो लोग बैठे हैं हम लोग बात ही कर रहे थे कि अब हमारे पास एनर्जी लेवल जो घट गया है कि हम उस पर बात कर सकते हैं। फिर भी मैं मुझे लगा कि मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका होती है, मैं इस पर बात करना मुझे लगा उचित है, मुझे बुलाया गया, मैं धन्यवाद इसके लिए दूंगी सब अमिता पल्लवी जी को और अविनाश जी को, और इस मुद्दे को जारी रखना है। मुझे लगता है कि कभी फीडबैक लिया जाए कि इससे कितना काम हुआ है तभी यह सफल हो पाएगा, और आप सभी से निवेदन है कि आप आइए दूरदर्शन और इस पर बात कीजिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रत्ना जी इतनी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए, ऐसे मुद्दों को उठाने के लिए जिसके बारे में जानते तो सब हैं, सभी समर्थन देते हैं लेकिन चुप्पी कोई नहीं तोड़ता इसके बारे में, तो समय है चुप्पी तोड़ने के लिए और अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने के लिए। और अब हम आगे बढ़ते हैं हमारी